हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज के वीडियो में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोग्निजेंट डेलॉयट एचसीएल की तरफ से, और सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। कोडिंग बिल्कुल भी किसी भी अपॉर्चुनिटी में आपको नहीं चाहिए, ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ही आपके लिए अपर हैंड है। और डेलॉयट में आई थिंक 1 से लेकर 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने 7.2 LPA मेंशन किया है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 6 LPA ही होता है, ठीक है। तो चलो फिर वन बाय वन सारी चीज डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे न्यू हो और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी किया करो, क्योंकि लाइक नहीं करते लोग बस बिना देखे चले जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। बाकी अब देखिए, देखते हो मैं काफी ज्यादा ऑफ कैंपस हायरिंग कवर करता रहता हूं, चाहे जिस भी कंपनी से ही क्यों ना आए, ठीक है। अगर आप, और मेरा कहने का मतलब ये है ना, अगर आप किसी में भी एलिजिबल होते हो तो उसे अप्लाई भी जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी जो आ रही है एचसीएल हायरिंग एचआर एसोसिएट, ठीक है, मतलब एचआर होगी तो मतलब आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी काम चलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीए, इमीडिएट ज्वाइनर, सैलरी अप टू 3 LPA, लोकेशन आपकी बैंगलोर की होने वाली है, ठीक है। और स्किल की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल ही मैटर करती है जब भी आप एचआर की जॉब में अपियर होते हो। तो अगली आपकी है कोग्निजेंट की तरफ से जो है जूनियर डेटा एनालिस्ट की, ठीक है। और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोडिंग यहाँ पूछा गया, बिजनेस एंड कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब रही, सीडीएम में आपका आता है कि नो अनलिमिटेड इन्वेंटेड डेटा, पीडी लॉकिंग, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, तो ये सारी आपकी है क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। बाकी आप एलिजिबल होते तो अप्लाई जरूर करना। जूनियर डेटा एनालिस्ट की है तो मैंने आपको जब भी हमेशा बताया, जब भी एनालिस्ट की जॉब होती है वहां पे आपको एमएस ऑफिस और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन हमारी थर्ड अपॉर्चुनिटी भी है एनालिस्ट की है, जो एनालिस्ट डेवलपर की है, जो लोकेशन आपकी होने वाली है बेंगलुरु हैदराबाद, ठीक है। 0 से लेकर 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, फ्रंट एंड यूआई और यूएक्स की, ठीक है, और सी शार्प, ठीक है, और क्या है तो बस यही सारी चीजें, और गुड कम्युनिकेशन स्किल ऑब्वियस सी बात है ना, हमेशा ही अपर हैंड रहा है, और एमसीए, एमटेक, बीटेक, और 60% या 6.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए, और आपकी नाइट शिफ्ट होगी यहाँ पे जैसे लिखा है 11 to 8 PM। नाइट शिफ्ट नहीं मतलब कि थोड़ा सा डिले वाला, जैसे कि 9 to 5 होता है, इसमें 11 to 8 है, ठीक है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल होते हो तो अप्लाई जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे बैच मेंशन नहीं है इसीलिए, ठीक है। बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।